जब मनोज कुमार ने शाहरुख खान को लिया आड़े हाथ, किंग खान को मांगनी पड़ी माफी। मनोज कुमार और शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स हैं। दोनों ही दिग्गजों ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जहां शाहरुख खान को बी टाउन का किंग खान या बादशाह कहा जाता है, तो मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाता है। शाहरुख खान मनोज कुमार की काफी इज्जत करते हैं, लेकिन क्या आपको याद है मनोज कुमार शाहरुख की एक बात से इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने शाहरुख और फराह खान पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया था। चलिए बताते हैं आखिर क्यों आया था शांत स्वभाव के भारत कुमार को इतना गुस्सा। दरअसल ये मामला साल 2007 में रिलीज हुई शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म ओम शांति ओम के दौरान का है। इस फिल्म की निर्माता निर्देशक फराह खान थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ओम शांति ओम के एक सीन में मनोज कुमार का मजाक उड़ाया गया था, जिसकी वजह से मनोज कुमार शाहरुख खान और फराह खान पर काफी गुस्सा हुआ थे। लेकिन फराह ने मनोज कुमार को विश्वास दिलाया कि रिलीज से पहले हटा लिया जाएगा। इसके बाद जब फिल्म को जापान में रिलीज किया गया, तो मनोज कुमार को पता चला कि जिस सीन से उन्हें एतराज था, उसे हटाया नहीं गया है। जिस पर मनोज कुमार ने साल 2008 में शाहरुख और फराह खान पर मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया था। इस बार मनोज कुमार का गुस्सा देख शाहरुख खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मनोज कुमार से माफी मांगी थी, जिसके बाद मनोज कुमार ने केस वापस ले लिया था। इस पूरे वाक्या के कई साल बाद बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब मनोज कुमार से इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि शाहरुख से नाराजगी वाली बात अब पुरानी हो गई है और अब वो किसान भूल चुके हैं।